नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल पीयूष नॉलेज स्टूडियो में। तो दोस्तों, यूपी सरकार ने आप सभी के लिए 60,000 पदों पे पुलिस कांस्टेबल की भर्ती निकाली है, जिसका योग्यता सिर्फ 10th पास और 12th पास होने वाला है। और 60,000 पदों के लिए बम्पर भर्ती है, तो इसको आप लोग ना जाने दें। अप्लाई करने से पहले इस नोटिफिकेशन को समझें, पढ़ें, तभी अप्लाई करें। दोस्तों, अप्लाई डेट से ले कर फुल भर्ती प्रोसेस तक की जानकारी मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं। बस वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखिएगा और ऐसे ही सरकारी भर्ती से जुड़ी जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन के साथ वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी यहाँ देख सकते हैं कि ये जो यूपी पुलिस ने कांस्टेबल के पद के लिए जो भर्ती निकाली है, रिक्वायरमेंट निकाली है, उसका ये ऑफिशियली नोटिफिकेशन है। इसका फुल एक एक डिटेल्स को मैं यहाँ पर बताऊँगा कि क्या कुछ आप सभी का खोजा गया है, बताया गया है, क्या निर्देश दिया गया है, जिस प्रकार आप सभी सावधानी पूर्वक अप्लाई करेंगे और क्या आप सभी का फिजिकल स्टैंडर्ड होने वाला है, एग्ज़ाम कैसे होगा, भर्ती कैसे होगा, ए टू जेड जानकारी। बस सबसे पहले आपको समझना है इस नोटिफिकेशन को और तभी आप लोग अप्लाई कर पाइएगा। तो यहाँ पर आप लोग देख लीजिए कि 23 दिसंबर 2023 को ये जारी किया गया है, 23 तारीख को। और इसका ऑफिशियली वेबसाइट, यहाँ से आप लोग इसकी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। नीचे बात करें तो यहाँ पर सबसे पहले तो यहाँ पद की बात कर लेते हैं, उसके बाद वेतन की बात करेंगे। तो यहाँ पर जैसा कि पद में आप सभी को पता होगा कि 60,244 पदों पर भर्ती है, जिसमें आपका अनारक्षित वर्ग के लिए 24,102 भर्तियाँ निकाली गई हैं, पद दिए गए हैं। EWS वालों के लिए 6,024 पोस्ट हैं। अब वही बात करें अत्यंत पिछड़ा वर्ग या OBC की, तो यहाँ पर 16,264 पोस्ट है। SC ST की बात करें तो अनुसूचित जाति के लिए 12,650 और अनुसूचित जनजाति के लिए यहाँ पर 1,200, तो कुल मिला के आपका 60,244 पदों पर भर्ती है। तो इस प्रकार आप यहाँ देख सकते हैं। और यहाँ पर आप सभी का वेतन का अनुरूप दिया गया है। उत्तर प्रदेश पुलिस में पुरुष एवं महिलाओं के लिए आरक्षी नागरिक पुलिस के पदों पर पे बैंड 5,200 से लेकर 20,200 रुपया, ग्रेड पे 2,000। नए वेतन में वेतन मैट्रिक्स रूप आपका 21,700 के अंतर्गत निम्नलिखित रिक्त पदों को भरने के लिए ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। मतलब कि पहले इसका जो पे लेवल था वो कुछ इस प्रकार था, 5,200 से 20,000 रुपया तक था। पर अब जो नया आपका पे मैट्रिक्स लेवल जारी किया गया है, जिसमें आप सभी का वेतन हो गए 21,700 रुपया। तो इस प्रकार आप अपने वेतन को यहाँ पर देख सकते हैं। नीचे बात करें तो आपका ऑनलाइन जो अप्लाई डेट है उसको एक बार ध्यान दे लेते हैं। तो यहाँ पर ऑनलाइन जो अप्लाई डेट है उसके लिए आपको यहाँ पर महिला एवं पुरुष वर्ग के दोनों अप्लाई कर पाएंगे। और यहाँ पर जो अप्लाई डेट है वो आपका 27 दिसंबर से शुरू होने वाला है। तो ये बिल्कुल ध्यान रखिएगा, आज से 2 दिन बाद आपका अप्लाई डेट स्टार्ट हो जाएगा, आप लोग अप्लाई कर पाइएगा सफलपूर्वक। और ऑनलाइन आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि आपकी 16 जनवरी होने वाली है, यानी 16 जनवरी को आपका अंतिम डेट है। इसके बाद आप लोग अप्लाई नहीं कर पाइएगा। और शुल्क अगर आप लोगों ने रजिस्ट्रेशन करा रखा है और उसके बाद अगर सिर्फ पेमेंट में दिक्कत है, तब तो आप 18 तारीख तक कर पाइएगा। पेमेंट का जो विंडो है वो खुला रहेगा 18 जनवरी तक, पर अगर रजिस्ट्रेशन चाहिएगा तो नहीं होगा, 16 तारीख तक ही सिर्फ ऑनलाइन आवेदन हो पाएगा। तो आप लोग समय से पहले आवेदन कर दें, जिसमें ही ठीक रहेगा, अन्यथा कई प्रकार की परेशानियाँ देखने को मिलती हैं। तो यहाँ पर बात करें आपका आवेदन फीस कितना लग रहा है, तो आप सभी का यहाँ पर आवेदन फीस आपका 400 रुपया दिया गया है। इसमें अलग अलग वर्गों के लिए अलग अलग छूट या आरक्षण नहीं दिया गया है, सभी वर्गों के या सभी वर्गों के महिलाओं के लिए एक ही यहाँ शुल्क रखा गया, जो कि आपका 400 रुपया है। तो इस प्रकार आप लोग ध्यान दें कि आवेदन शुल्क 400 रुपया सिर्फ लगने वाला है सभी वर्गों के लिए। नीचे बात करें तो यहाँ पर राष्ट्रीयता दिया गया है, जिसमें आप सभी को पता होगा कि जो भारत के हैं वो लोग आराम से इसमें अप्लाई कर सकते हैं। नीचे बात करें तो यहाँ पर शैक्षणिक अर्हता दिया गया है, जिसमें आपका शैक्षणिक अर्हता में यहाँ पर देख लीजिए, एजुकेशन क्वालिफिकेशन में
आप सभी का यहाँ 10वीं एवं 12वीं कक्षा उत्तीर्ण मांगा गया है। आप भारत के किसी भी संस्थान से जिसको मान्यता प्राप्त हो भारत द्वारा, उसके बोर्ड से आप 10वीं या 12वीं पास किए हुए हों, वो लोग आवेदन कर पाएंगे। नीचे बात करें तो यहाँ पर दिया गया है अलग अलग आयु सीमा के लिए, तो आयु आपका 18 से 25 वर्ष आप लोग मान के चलिए, मोटा मोटी मेन आपका 18 से 25, पर यहाँ पर क्या दिया गया उसको भी एक बार ध्यान देंगे। दोस्तों बाहर की आवाज़ के लिए मैं माफ़ी चाहूँगा इसके लिए, पर यहाँ पर आप लोग देख लीजिए, ध्यान दीजिए इस पर कि जो भी पुरुष अभ्यर्थी हैं उनको उनका जन्म तिथि जो है वो 1/7/2023 तक 18 वर्ष हो जाना चाहिए। अगर उनका जन्म 2001 के पूर्व हुआ है तो वो लोग अप्लाई नहीं कर पाएंगे, और 2005 के बाद हुआ है वो लोग अप्लाई नहीं कर पाएंगे। तो इस प्रकार यहाँ पर ध्यान दें, जिनका जन्म 2001 से 2005 के बीच हुआ है वो लोग अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर साफ साफ रूप में यहाँ दिया गया है, पुरुष अभ्यर्थी ने दिनांक 1/7/2023 को 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो और 22 वर्ष की आयु प्राप्त न हो, अर्थात अभ्यर्थी का जन्म 2 जुलाई 2001 से पूर्व तथा 1 जुलाई 2005 के बाद का नहीं होना चाहिए। महिला वर्ग की बात करें तो यहाँ पर महिला अभ्यर्थी को दिनांक उतना ही तारीख को 18 वर्ष आयु हो जाना चाहिए, इसमें भी 18 से 25 वर्ष खोजा गया है, अर्थात जो 2 जुलाई 1998 से पूर्व तथा 1 जुलाई 2005 के बाद का जन्म यहाँ पर नहीं होना चाहिए। तो इस प्रकार आप लोग देख सकते हैं, और सभी कास्ट का अलग अलग यहाँ पर जन्म में उम्र में आपका छूट दिया जाएगा। तो इस प्रकार यहाँ आयु सीमा की बातें दी गई है इसमें, जो कि आप लोग समझ पा रहे होंगे। नीचे बात करें तो यहाँ पर शारीरिक दक्षता की बात करें तो आपका जो भी शारीरिक दक्षता होगा वो यहाँ पर देखा जाएगा, आपका हाइट वेट, फिर आपका फिजिकल में कराया जाएगा रनिंग, ये सब आपका शारीरिक दक्षता में आता है, और यहाँ पर आपका शारीरिक स्वास्थ्य को भी जाँचा जाएगा। तो ये 3 चरणों में आपका होने वाला है भर्ती। भर्ती की प्रक्रिया 3 चरणों में होगी। पहला आपका होगा लिखित परीक्षा। लिखित परीक्षा में आप लोग ध्यान दीजिएगा कि आपका 300 अंकों का होने वाला है। 2 घंटे का समय होगा जिसमें आपको 300 अंकों का आपका जो भी होगा प्रश्न, आपका कुल 150 होगा। प्रत्येक प्रश्न के लिए 2 अंक दिए जाएंगे और प्रत्येक गलत उत्तर देने पर आपका 0.5 मार्क्स का कटौती होने वाला है। तो इस प्रकार आप लोग ध्यान दीजिएगा, और जो इसका विषय होने वाला है, किस किस विषय में आपका यहाँ एग्जाम होगा, वो आपका सामान्य ज्ञान होगा, सामान्य हिंदी होगा, संख्यात्मक एवं मानसिक योग्यता होगा, मानसिक अभिरुचि होगी। तो इस प्रकार आप लोग देख सकते हैं कि GK GS हिंदी आपका हो गया होगा, रीजनिंग होगा, इस प्रकार आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे। लिखित परीक्षा में सारे प्रश्न ऑब्जेक्टिव होंगे, और यहाँ बात करें तो नीचे दिया गया है आपका OR मार्कशीट के बारे में, यानी आपका जो भी लिखित परीक्षा होगा उसमें क्या कुछ आएंगे वो यहाँ दिया गया है। नीचे बात करें तो यहाँ पर अभिलेखों की समीक्षा यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की बात कर रहा है कि अगर जो लोग आपका लिखित परीक्षा पास हो गया तो आप लोग शारीरिक दक्षता के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट ले कर जाएंगे, तो उसमें आपका 10th का मार्कशीट, 12th का मार्कशीट, आधार कार्ड, और जो भी जिस भी कास्ट से आते हैं वो, और जहाँ से आप रहते हैं निवास स्थान का प्रमाण पत्र होना आवश्यक है। तो इस प्रकार आप लोग जो मेन डॉक्यूमेंट है वो आप लोग जरूर रख लीजिए। यहाँ पर बात करें तो आपका शारीरिक मानक परीक्षा के बारे में दिया गया है कि आपका, देखिए यहाँ पर समान एवं अन्य पिछड़े वर्गों और अनुसूचित जाति के पुरुष अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम ऊँचाई 168 सेंटीमीटर होना आवश्यक है। यहाँ पर देख सकते हैं 168 सेंटीमीटर हर वर्ग के पुरुष के लिए यहाँ खोजा गया है। और नीचे बात करें तो अनुसूचित पुरुष अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम ऊंचाई यानी SC ST वालों के लिए यहाँ 160 सेंटीमीटर दिया गया है। सीना आप सभी का 79 सेंटीमीटर का होना चाहिए, फुलाने के बाद आपका 84 हो जाना चाहिए, यानी 5 सेंटीमीटर बढ़ना चाहिए। तो इस प्रकार आप लोग यहाँ देख सकते हैं कि महिला अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम मानक जो भी दिया गया है शारीरिक दक्षता के लिए वो 152 सेंटीमीटर दिया गया है। समान एवं अन्य पिछड़े वर्गों की अनुसूचित जातियों की महिलाओं के लिए यहाँ दिया गया है। अब महिला में SC ST के वर्गों की महिलाओं के लिए 160
47 सेंटीमीटर खोजा गया। तो इस प्रकार आप लोग यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। वजन की बात करें तो आपको महिला अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम जो है वो 40 किलोग्राम वजन होना आवश्यक है और पुरुषों के लिए उनके शारीरिक अनुरूप वजन होना आवश्यक है। तो इस प्रकार यहाँ पर दिया गया शारीरिक दक्षता परीक्षा, यानी जो अब आपका उसका अंक नहीं जुटने वाला है और यहाँ जो आपका दक्षता परीक्षा होने वाला है, शारीरिक परीक्षण लिया जाएगा जो कि पुरुषों के लिए यहाँ पर देखिएगा कि 4.8 किलोमीटर का दौड़ पूरा करना होगा 25 मिनट में, जबकि महिलाओं के लिए 14 मिनट में आपका 2.4 किलोमीटर का दौड़ पूरा करना होगा। ये आपका फिजिकल एग्जामिनेशन है दोस्तों। जो आपका अंतिम चयन सूची या आप कह सकते हैं मेरिट लिस्ट, वो आपका शारीरिक दक्षता परीक्षा पे ही आधारित होगा, लिखित परीक्षा से आपका रिलेटेड नहीं होगा। तो इस प्रकार आप लोग ध्यान दीजिएगा। आयु सीमा में यहाँ पर छूट दी गई है, आप इसको फुल नोटिफिकेशन को पढ़िएगा। आप हमारे चैनल यानी टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन हो जाइए, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहाँ से आप लोग ज्वाइन होकर इस जो पूरे नोटिफिकेशन को आसानी से पढ़ सकते हैं। यहाँ पर आपका देख सकते हैं कि छूट दिया गया है आयु में, तो यहाँ पर आप आसानी से एक एक नोटिफिकेशन को पढ़ सकते हैं, अन्यथा वीडियो काफ़ी लॉन्ग हो जाएगा जिसको आप लोग ध्यानपूर्वक देख नहीं पाइएगा। तो इस प्रकार मैंने जो जो मेन जानकारी थी उसको मैंने यहाँ पर बता दिया है। ऑनलाइन अप्लाई करने का भी डेट भी मैंने बता दिया है। अगर आपके मन में कोई भी डाउट हो या इससे जुड़ी कोई भी परेशानी हो तो आप लोग ज़रूर नीचे पूछिएगा। आई एक बात दोस्तों ये ज़रूर है कि आप लोग ऑनलाइन अप्लाई करते समय ध्यानपूर्वक अप्लाई कीजिएगा, अन्यथा इसमें कोई भी त्रुटि होने पर इसका जो संशोधन है वो नहीं आप लोग कर पाइएगा। तो ये बात आप लोग ध्यान दीजिएगा। ऑनलाइन अप्लाई डेट भी मैंने बता दिया है, अगर गलती हो भी जाती है तो आप लोग को मैं अगले वीडियो में बताऊँगा कि किस प्रकार आप लोग करेक्शन कर पाइएगा। तो दोस्तों आई होप कि आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा और आने वाली अन्य भर्ती की भी जानकारी इसी तरह मैं देता रहूँगा। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड जय हिंद दोस्तों।